बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार मीर और आप देख रहे हैं अपना चकवाल। नाज़रीन, आज हम अब अपने चकवाल के प्रोग्राम आमना सामना में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सियासत जो है वो मैदान जंग नहीं है तो इससे कम भी नहीं है। इस सियासत में जो लोग भी मौजूद हैं, बिलखसूस जो अरकान असेंबली होते हैं, उनकी हर सुबह वो अवामी खिदमत से ही शुरू होती है और वही लोग कामयाब है जो इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज हम आपको आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कामयाब शख्स से और कामयाब सियासतदान से कराएंगे जिसका तालीमी जो एक कैरियर है वो बहुत ही ब्राइट है, और जब उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा तो कामयाबी ने उनको उनके कदम जाम भी चुके। आज की हमारी प्रोग्राम आमना सामना की शख्सियत मेंबर सूबाई असेंबली मलिक तनवीर असलम साहब है। तनवीर असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने चकवाल की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। मलिक साहब, आपको मेंबर मुंतखब हुए, हुकूमत पंजाब को मुंतखब हुए 2 साल गुजर चुके हैं, तो इन 2 सालों की कारकर्दगी बिलखसूस अगर मैं तरक्याती कामों के हवाले से पूछूँ तो वो कैसी रही है? उसमें जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसकी ज़रा तफसीलात आप बताएँ। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज सियासत में, प्रैक्टिकल सियासत में आए तकरीबन मुझे 8-9 साल का अरसा गुजर गया है, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से दूसरी टर्म है एज एन MPA चकवाल, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का खुसूसी तौर पे बड़ा मशकूर हूँ, और आवाम का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि दूसरी मरतबा मुंतखब करके मुझे पंजाब असम्बली तक पहुँचाया। अगर मैं इन 2 साल कारकर्दगी के ओवरऑल इजमाली खाका पेश करूँ तो 9 अप्रैल 2009 को ये असम्बली वजूद में आई, जिस दिन असम्बली का पहला सेशन हुआ, और आज तक अल्लाह ताला की मेहरबानी से तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद के तरक्याती जो काम हैं वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हल्का PP 21 में शुरू हो चुके हैं या इख्तिताम के करीब हैं। कुछ सियासी हलकों में ये बात हो रही है कि ज़िले चकवाल की आबादी जो है वो बढ़ चुकी है, बिलखसूस जो हमारे बुज़ुर्ग मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल मजीद मलिक, उन्होंने भी एक इजलास में इसका जिक्र किया था कि अब जो है वो यहाँ पर जो हलका बंदियाँ हैं वो भी इसमें ज़रा तबादला होना चाहिए और नशस्तों की तादाद बढ़ाई जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये तजवीज़ काबिल अमल है? इट्स वेरी लॉजिकल। प्रॉब्लम ये हुई है कि अनफॉर्चुनेटली चकवाल एंड मियांवाली आर द ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, जब 98 में वो पॉपुलेशन सेंसस हुआ तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी कुछ कम डिक्लेयर होगी, क्योंकि उस टाइम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरा भी अपना ख्याल है, हमारे अटक की मिसाल आपके सामने है, उनकी और हमारी आबादी में तकरीबन 40 से 50 हज़ार का फ़र्क है, वहाँ 3 MNAs और 5 MPAs हैं, तो होपफुली जब भी दोबारा मरदमशुमारी होगी, चूँकि ये डिसीजन होते हैं पॉपुलेशन सेंसस पे, जब भी नई पॉपुलेशन सेंसस हुई और हमारे लोगों ने सुस्ती ना दिखाई और अपनी आबादी ठीक डिक्लेयर की, तो आई होप कि 1 MNA और 1 MPA की सीट जस्ट लाइक अटक मॉडल यहाँ निकलनी चाहिए, और वो निकलेगी चूँकि बहुत बड़े हलके हैं। अभी मरक साहब, बलदियाती हवाले से बात करते हैं, ये बताएं, क्योंकि आप बड़े बाखबर हैं, ज़ाहिर है हुकूमती कामों में शरीक हैं, ये किस तर्ज पे होंगे? अभी बड़ी गुफ्तगू हो रही है, कोई कह रहा है कि नाजम बनेंगे, कोई कुछ कह रहा है, तो आपकी क्या मालूमात है कि इसमें क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं? देखिए, जो मोटी मोटी जो आउटलाइन है, 24 फरवरी 2010 को एक बिल असम्बली में मूव कर दिया गया है जिसके साथ ये पिछला सेटअप सारा वाइंड अप हो गया है, और 6 महीने के अंदर नया सिस्टम प्रपोज़ किया जाएगा असेंबली में, जो उसको बाद में डिस्कशंस के बाद मंजूर किया जाएगा। तो ये जो इंटरिम पीरियड है ये उसी प्रपोजल्स का सिस्टम है कि कौन सा बिल ऐसा असेंबली में लाया जाए। बुनियादी बात ये है कि जो 2001 ऑर्डिनेंस है वो इज़ ओवर, नया सिस्टम कुछ 1979 की उसमें अच्छी बातें होंगी, जो मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं डिस्कशंस देखता रहता हूँ, और कुछ 2001 की शायद कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसमें शामिल कर ली जाएँ, जिस तरह ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है 33%, वो उसमें से ले ली जाए, लेकिन वो जो नाज़मी वाला है वो नहीं है। थैंक यू भाई साहब। जी नाज़रीन, अभी आपने मेंबर पंजाब असम्बली तनवीर असलम मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़े खड़े और सच्चे अंदाज से तमाम सवालों के जवाब दिए। नाज़रीन, चकवाल के लिए एक फ़ख्र की बात है कि जैली डिग्रियों के इस दौर में चकवाल से कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा मेंबर सामने नहीं आया जिसकी डिग्री जैली हो, तो ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है, और हमारे जितने भी अरकान असम्बली है, खा उनका जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो पॉजिटिव सोच के साथ
आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जिस तरह आपने तनवीर असलम साहब की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने अपना फोकस जो है वो तमाम सिर्फ और सिर्फ तरक्याती कामों पर रखा हुआ है और तरक्याती कामों का डायरेक्टली अवाम से ताल्लुक होता है। उम्मीद करते हैं कि इस सोच को तमाम जो अरकान असम्बलियाँ वो अपनाएँगे और ये कल्चर बढ़ेगा। अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार मीर, कैमरा मैन वकास अनवर, गुल अब्बास और साकिब अब्बास और अपना चकवाल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद। Yeah.